अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने गले का डिज़ाइन तैयार किया है, जिसमें हमने ऊपर बॉट गला बनाया है, हमने लेस लगाई है इसमें, ठीक है। और वी कट में हमारी ये लेस आ रही है नीचे स्लिट में, और साइड में हमने लेस भरी है इसकी। चलिए शुरू करते हैं, गला हमने किस तरह तैयार किया है। ये बुकरम हमने डबल की हुई है, यहाँ ऊपर से हम इसे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ सीधा एक निशान हम 5 इंच पे लगा लेंगे, और एक 16 इंच पे लगा लेंगे। इस निशान को इस तरह सीधा कर लेंगे हम। यहाँ से 1 इंच चौड़ा हम निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सिम यहां से बीच में से काट लेंगे। कपड़े भी चिपका लेंगे अभी से हम। मैंने प्रेस कर लिया गलों को, ठीक है। ये दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया, दोनों साइड पे मैंने दबाव रखा हुआ आधा आधा इंच का कपड़े का। यहाँ पे हम इसे कट लगा लेंगे छोटा सा, इस साइड पे भी इसे हम प्रेस कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह प्रेस कर लेंगे। इसे हम खोल लेंगे दोबारा। ये देखा हमारे निशान आ गए दोनों साइड पे, निशान दिख रहे होंगे आपको दोनों साइड पे, ठीक है। तो हमारे पास दो ये लेस हैं, एक ये लेस है पतली लेस, एक ये चौड़ी लेस भरने वाली जो बीच में भरी जाती है। अब ये लेस लगाएंगे हम यहाँ पे इस तरह। ये जो वी है ना हमारा, वी वी वाली साइड पे लगाएंगे लेस, ये इस तरह लगा लेंगे। सिर्फ वी तक आना चाहिए हमारे नोक तक, यहाँ पे हम इसे लेस को काट देंगे, ठीक है। और दूसरी साइड पे इसे हम ये वाली लेस लगाएंगे, पट्टी को इस तरह खोल के इस तरह ये वाली लेस लगाएंगे, ठीक है। इस निशान पे हमारी जो है ना ये डिजाइनिंग जो है ना हमारी बीच में ये शो होगी सिर्फ, बस, ठीक है। तो इसी तरह हम सेट करेंगे कि सिर्फ डिजाइनिंग हमारी शो हो, और इसी निशान पे आनी चाहिए हमारी सिलाई। इस तरह हम इसे सिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी से नीचे तक, और जो दूसरी पट्टी है या इस पट्टी पे दोनों लेसे जो है ना हम नीचे तक लगाएंगे। यहाँ पे हम लेक एक लेस जो है ना छोटी वाली सिर्फ वी तक लगाएंगे, ठीक है। देखिए हमें सिर्फ लेस का ही रिंग शो करना ही है, ठीक है। और जो चीज़ हमें शो करनी है ना, वो सी चीज़ हम इससे अंदर की साइड रखेंगे इस तरह, ठीक है। ये हमारा दबाव इसमें दबाव में आ जाएगा ये वाली साइड। ये देखें, इसके मैंने वी तक लगाई है वाली लेस, और ये वाली पूरी नीचे तक लगाई है। अब इस तरह हम इसे अंदर की साइड करके दबाव को प्रेस कर लेंगे। देखें ये पट्टी मैंने प्रेस की हुई है, इसी तरह हम इसे भी प्रेस कर लेंगे। ये मैंने पट्टी को प्रेस कर लिया, ठीक है।
अब इसके नीचे हम फिनिशिंग लगाएंगे। ये हमारा प्लेन कपड़ा है, ठीक है, आपको प्लेन कपड़ा ही लेना है ताकि हमारी जो लेस है ये प्रोमिनेंट हो। इसे हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे, इस तरफ पे भी हमें दबाव रखना है और इस साइड पे भी हमें दबाव रखना है। इस तरह हम इसे सेट कर लेते हैं, पहले इसकी कटिंग करेंगे बाद में। यहाँ से हम इसे दबाव रख के काटेंगे। अब इसे हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे इसे इस तरह रख लेंगे, इस तरह इसे सिलाई लगा लेंगे हम, यहाँ पे लपकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इसे इस तरह नीचे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे लेस पे इस पे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे साइड पे। एक पट्टी हमारी तैयार होगी, दूसरी साइड की पट्टी भी इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। दूसरी पट्टी भी मैंने इसी तरह तैयार कर ली। अब हम इसकी फ्रंट पे गले की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट है, यहाँ से मैं इसे 4.5 इंच पे निशान लगा लूँगा। ऊपर हम इसका बॉर्ड गला बनाएंगे और यहाँ से मैं इसे 7 इंच पे निशान लगा लूँगा, ठीक है। अब ये जो हमारी वी की नोक है ना, ये इस निशान पे आएगी, लेकिन ये हमारी लेस बाहर निकलती भी आएगी, ठीक है, इस तरह बढ़ती भी आएगी। ये जो हमारी पट्टी है यहाँ से, ये हमारी इसके साथ बिल्कुल टकराएगी, इस तरह आएगी। अब हम इस पर निशान लगा लेंगे, हमारी जहाँ से पट्टी आ रही है ना, यहाँ से आधा इंच ऊपर हम इसे निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी सिलाई लगी हुई है, ये देखें, इस साइड में हमारी सिलाई शो हो रही है, इसी सिलाई के बिल्कुल बराबर में हम इसे निशान लगा लेंगे। ये मैंने निशान लगा लिया, ठीक है। अब इस निशान पे हमने इसकी कटिंग नहीं करनी है, हमने इसका दबाव रख के कटिंग करना है। ये जो हमने निशान लगाया यहाँ पे, इस निशान तक हम कट लगा लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली इसकी, ठीक है। अभी हमारी पट्टियाँ हैं और एक पट्टी हमने ये तैयार की हुई है, 2.5 इंच चौड़ी हमारी पट्टी दी है। मैंने इसे डबल करके सिलाई लगा के पलट लिया, इसे प्रेस कर लिया, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे, ये हमारी नोक है, यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसकी दूसरी पट्टी इस तरह सेट करेंगे, ये लेस हमारी इस पट्टी के ऊपर चढ़ती हुई आएगी, इस तरह आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी इसे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने पट्टी लगा ली नीचे, ठीक है। अब इसे हम फ्रंट में भर लेंगे। इसे हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे पहले। ये जो सिलाई हमारी इस नोक पे आनी चाहिए, ये जो सिलाई आ रही है, ठीक है, इस साइड की भी इसी तरह आनी चाहिए। और इसी, ये जो हमारा कट लगा हुआ है, इसी कट से हम ये शुरू करेंगे सिलाई को, दूसरी कट तक यहाँ पे आके पक्का कर देंगे। ये देखें, मैंने पूरा गला भर दिया, इसे हम प्रेस कर लेंगे। ये मैंने प्रेस कर लिया गले को, ठीक है। अब हम इसका बोर्ड गला काटेंगे। ये हमारी बुकरम है,
इसे हम डबल करके इसके ऊपर सेट कर लेंगे। यहाँ से हमारा 1.5 इंच का गैप आना चाहिए जितना हमने इसका कटिंग किया था। ये 1.5 इंच आ गया हमारा, ठीक है। ये मैंने गले का निशान लगाया था, यहीं पे हम इसे बुकरम पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम इसे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसे शेप दे देंगे। इसे यहाँ पे हम इस तरह नीचे की साइड पे निशान लगा लेंगे, इसी तरह आड़ा जिस तरह हमारा शेप आ रहा है गले का, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ हम निशान लगा लेंगे हमारे गले का ऊपर वाला साइड है। इसे हम कपड़े पे चिपका लेंगे। ये मैंने गले प्रेस कर लिए, ठीक है। और ये देख कपड़े को मैंने इस तरह मोड़ के यहाँ पे भी मैंने प्रेस कर लिया और यहाँ पे हमने कपड़े का दबाव रखा हुआ है। अब इसके जो है ना इस साइड पे हम ये निशान लगा लेंगे जहाँ पे हमारी बुकरम आ रही है। ये हमारी बुकरम की नोक है, ठीक है। अब हम इस पे लेस लगा लेंगे। लेस को हम यहां से काट लेते हैं थोड़ा सा। अब देखें लेस हमने यही नोक से शुरू करनी है, इसकी बुकरम की नोक से। आपको लेस भी इसी तरह की लेनी होनी चाहिए आपकी लेस, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पूरी शो करते हैं तो यहाँ पे हमारी सेटिंग आउट हो जाती, अगर इस तरह हम लगाते तो। अगर ये पूरी शो करते तो हमें इस तरह नहीं लगानी थी, हमारी सेटिंग नहीं आएगी इस तरह, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कट लगे हुए हैं, जैसे कि कट वाली हमारी लेस है तो ये इजीली लग जाएगी। अभी यहाँ पे हम इसे सेट कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे इसे। ये मैंने लेस लगा ली। यहाँ पे हमने गले का निशान लगाया था, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। इस कट को इस गले से इस तरह सेट करेंगे, यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे। यहाँ पे हम कपड़े को मोड़ लेंगे इस तरह, ठीक है। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें मैंने एक साइड का गला लगाया है। यहाँ पे देखें गला हमारा इस लेस की नोक पे आ रहा है, ठीक है। इसके बिल्कुल बीच में नहीं आना चाहिए, जो रिंग आ रहा है हमारा इसके सेंटर में नहीं आना चाहिए, इसी तरह साइड पे आए। ये देखें ये इस तरह सेट हो जाएगा, ठीक है। इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह हमने सेट करना है गले को। ये देखें यहीं से शुरू होगा हमारा दूसरा गला, इस साइड का दूसरी साइड का गला भी लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह मोड़ के प्रेस करके तुरपाई कर लेंगे। ये मैंने तुरपाई कर ली, ठीक है। ये हमारा गला तैयार हो गया।